सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि इसे हम ऐप के द्वारा रूट करें, ना कि किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करके, क्योंकि सबसे सेफ़ होता है कि हम डायरेक्ट मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करें और उसके द्वारा हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से हमें USB केबल से कनेक्ट करना पड़ता है और उसमें काफ़ी रिस्क होना होता है, और इस दौरान अगर ब्रिक हो गया मोबाइल तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर वो कचरा बन के रह जाता है मोबाइल, उसका कोई यूज नहीं रहता। तो ये एक सबसे आसान तरीका है, सबसे सेफ़ तरीका है जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और इसके सर्च बार में आप लिखिए किंग रूट। ये एक ऐप है जिसका आप यूज करके आसानी से रूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो किंग रूट लिख के आप सर्च करें। किंग रूट आ जाने के बाद जो पहला लिंक है kingroot.net का, उसमें जाके आप डाउनलोड करें। ध्यान रहे कि आप इसे गूगल प्ले से डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल प्ले में जो ऐप पड़ा हुआ है किंग रूट का वो फेक है, तो आप वहां से डाउनलोड नहीं कीजिए। इसके वेबसाइट है जो एक www.kingroot.net, वहां से अगर किंग रूट लिख के सर्च करिएगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहला लिंक इसमें आ गया है, तो उसमें मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा APK यहाँ पे आ गया है, डाउनलोड APK फॉर एंड्रॉयड। यहाँ पे किंग रूट द बेस्ट वन क्लिक रूट फॉर एंड्रॉयड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड लिंक में क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप अगर सेटिंग में आपने ये चीज़ नहीं सेट करके रखा है तो आपका ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने सेटिंग में जाइए और चेक करिए कि आपका जो ऐप आउटसाइड द प्ले स्टोर इनेबल है या नहीं। तो अब आप पहले सेटिंग में जाएं। जब आप अपना सेटिंग ओपन कर लेंगे तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करके जाएं और सिक्योरिटी टैब में जाएं और फिर नीचे चलते जाएं, तो आपको दिख रहा होगा अननोन सोर्सेज, यानी कि अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। इसे आप इनेबल कर दें, मेरा किया हुआ है तो आप इसे इनेबल कर दें जाके। पहले सेटिंग, फिर सिक्योरिटी टैब में जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो अननोन सोर्सेज करके आएगा, वहां से जाकर आप इसे पहले इनेबल कर लें। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं। तो अब हमारा APK डाउनलोड हो चुका है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, तो ये रहा मेरा APK। तो ओपन करने के बाद जो किंग रूट ऐप है इसे आप नेक्स्ट करके सिंपल सा जाके जो नॉर्मल सभी ऐप्स के लिए करते हैं उसे करके आप इंस्टॉल में क्लिक कर दें, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि सेटिंग वाली चीज़ आप करके रखें जो मैंने पहले बताई है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम किंग रूट को इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले किंग रूट मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए आप ज़रूर याद रखिएगा कि किंग रूट के लिए आपको इंटरनेट ऑन रखना होगा रूट करने के लिए अपने मोबाइल को। तो किंग रूट जब आप ऑन कर लीजिएगा तो ये हमारा कुछ सिंपल सा इंटरफेस आ गया है। अब ट्राइट में क्लिक करिए यहाँ चल के, तो यह आपके पहले डिवाइस को चेक करेगा कि आपका डिवाइस कौन सा है और फिर बताएगा कि आपका डिवाइस से रूट हो सकता है इस ऐप से या नहीं हो सकता है। तो ये भी चेकिंग ले रहा है, देखिए अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो डिवाइस है वो रूटेड नहीं है। ट्राई रूट में क्लिक करिएगा तो आपका डिवाइस रूट होने लगा। तो आप भी अपने मोबाइल में ट्राई रूट में क्लिक करिए, तो इस तरह से आपका मोबाइल जो है रूट होने लग जाएगा। और ये बहुत ही सेफ तरीका है, और बीच में आप ध्यान रखिएगा कि इस बीच में आपका जो मोबाइल है वो रिबूट हो सकता है, अपने आप स्विच ऑफ स्विच ऑन हो सकता है, तो आप घबराएं नहीं, ऐसा नॉर्मल बात है। बस आप क्लिक करके छोड़ दें, तो जब ये 100% हो जाएगा तो उसके बाद ये पूरी तरह से रूट हो जाएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। ये 100% पहुँचने पर हमारा जो मोबाइल है वो रूट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने मन चाहे काम कर सकते हैं जो रूट के कारण हो सकता है। तो जब हमारा डिवाइस 100% रूट हो जाएगा तो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइस रूट हुआ है या नहीं। इसके लिए एक ऐप आता है रूट चेकर, इसे आप गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ दे चुका है। उसके बाद आप जब वो रूट चेकर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऐसा आइकॉन आएगा आपके सामने, इसमें क्लिक करके आप ओपन करें, तो ये हमारा ओपन हो रहा है रूट चेकर ऐप। इसमें हम चेक करेंगे कि रूट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई रूट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे और ये हमें वेरीफाई करके बताएगा।
देखिए अब यहाँ ग्रीन सिग्नल आ चुका है, यानी कि अब दिखा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस। तो इस तरह से जो मेरा डिवाइस है वो रूट हो चुका है, और इस तरह से हम अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं। तो आपने देख ही लिया कि कैसे आप किंग रूट की मदद से बस एक ही क्लिक में अपने डिवाइस को बहुत ही आसानी से और सेफ तरीके से रूट कर सकते हैं।